वेलकम टू GLM इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आपको HDMI रेंज एक्सटेंडर के बारे में बताया जा रहा है। इस डिवाइस का यूज करके आप एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का कैट 6 केबल पर ब्रिज बना सकते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशनड है 120M, यानी दोस्तों होता है 120 मीटर तक की कॉम्पेटेबिलिटी इस डिवाइस की है। हालांकि इससे कम कॉम्पेटेबिलिटी वाला और इससे ज़्यादा कॉम्पेटेबिलिटी वाले भी डिवाइसेस मार्केट में मिलते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। 4K होने की वजह से 1080p तक या फिर 5MP तक का ट्रांसमिशन आपको इस पर मिल जाएगा। सो इसका यूज़ बेसिकली किस लिए होगा, मैं एक ओरल एक्सप्लेनेशन से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर DVR या NVR है और यहाँ से अराउंड 100 मीटर के डिस्टेंस पर मॉनिटर लगा हुआ है। यदि आप उस DVR से डायरेक्ट HDMI केबल 100 मीटर पर लगे हुए मॉनिटर पर कनेक्ट करते हैं तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वीडियो सिग्नल आएगा। दूसरी बात, 100 मीटर की HDMI केबल बहुत रेयरली अवेलेबल है, और अवेलेबल भी होती है तो बहुत ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर एकदम श्योर शॉट सोल्यूशन यही है कि आप कैट 6 केबल का यूज़ करें ब्रिज बनाने के लिए और इस रेंज एक्सटेंडर का यूज़ करें। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक DVR है। आप सभी को पता है DVR के पीछे एक HDMI पोर्ट होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट से सीधी केबल निकलकर इस डिवाइस पर कनेक्ट होगी। HDMI पोर्ट यहाँ पर लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको क्लोज व्यू लेकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए HDMI कनेक्टर कहते हैं इसको, HDMI। HDMI से सीधा केबल निकल के इसके इनपुट सेक्शन पे लगेगा। अच्छा, इसमें रिसीवर और सेंडर इस तरह की दो वर्डिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है। रिसीवर यानी कि ये लगाना है आपको मॉनिटर की तरफ, और ट्रांसमीटर या सेंडर जहाँ पर लिखा है वो आपको लगाना है DVR या NVR की तरफ। ये लगाना है मॉनिटर की तरफ क्योंकि रिसीवर है, और ये लगाना है आपको DVR या फिर NVR जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी तरफ क्योंकि ये ट्रांसमीटर है। और इसके पोर्ट्स कुछ इस तरह के हैं, ये देखिए दिखने में सेम है दोनों तरफ, HDMI और RJ45 इस तरफ भी है, HDMI और RJ45 इस तरफ भी है। बट यहाँ पर जो इंडिकेशंस हैं वो दोनों के बिल्कुल अलग हैं। रिसीविंग एंड सेंडिंग इस तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है, आउट और यहाँ पर इन। ठीक है, यानी आउट से केबल निकल के इन पे लगेगी या फिर इन से आउट, इस तरह से आपको चेन बनानी है पूरी। सो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ से आउटपुट केबल निकलेगी तो इसके इनपुट पर लगेगी। पहले तो चेक करना है कि ये ट्रांसमीटर होना चाहिए, रिसीवर नहीं होना चाहिए। ट्रांसमीटर का जो ट्रांसमीटर साइड का जो डिवाइस है वो DVR की तरफ रखना है, DVR या NVR की तरफ, और यहां से आउटपुट केबल निकल कर इसके इनपुट सेक्शन पे जाएगी। ये देखिए यहां पर इनपुट मेंशनड है, इनपुट HDMI इनपुट पे। आई होप आपको विजिबल, ओके आई होप आपको दिख गया होगा, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, मैं यहाँ पे आपको रीड करके दिखा देता हूँ। HDMI इन मेंशनड है, तो DVR से केबल निकल के इसके HDMI इन पर लगेगी, और इस तरफ आउट है, बट ये आपको यूज नहीं करना है क्योंकि एनालॉग में इस तरह के सिग्नल्स बनते हैं, इन से आउट, आउट से इन, फिर आउट, इस तरह से पहला आउट है तो दूसरा इन है, फिर तीसरा आउट है, फिर चौथा इन है, फिर पांचवा आउट है, इस तरह से इन आउट, स्टार्ट आउट से होगा तो एंडिंग जो है आउट से ही होती है। यहाँ से आउट से शुरू हो रहा है तो लास्ट आपकी जो मॉनिटर है वो इनपुट पर केबल कनेक्ट करता है, जिससे कि फाइनली डिस्प्ले आउट होकर सिग्नल को आउट करती है। आपको ये थ्योरी शायद समझ में नहीं भी आई होगी, बट कोई बात नहीं, करना तो आपको पूरा प्रैक्टिकली है, तो थ्योरी अगर नहीं भी समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको पावर देना है, और पावर देके इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, देखते जाइए। आउटपुट केबल कनेक्ट हो रही है इसके इनपुट पे, ट्रांसमीटर साइड होना चाहिए ये हमारे पास। ओके, निकल गया है, एडेप्टर लगा दीजिए, इस तरफ लगा दूं। ओके, इसको इनपुट की तरफ लगाना है। अब यहां से
एक तो ये कैट सिक्स का पोर्ट आपको मिल रहा है RJ45 और एक ये मिल रहा है, तो आपको ये आउटपुट यूज करना है और अगले HDMI रेंज एक्सटेंडर के रिसीवर वाले डिवाइस की इनपुट पोर्ट पर लगानी है। यहां से आउटपुट नेक्स्ट के इनपुट पे लगेगी, यहां इन पे लगाना है आपको। तो मैंने एक छोटी सी केबल यहां पर यूज की है, ये हाफ एन मीटर जितनी, आप ये 100 मीटर तक यूज कर सकते हैं, 100 मीटर तक की हो सकती है ये कैट सिक्स केबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% चलेगा, टेस्टेड है ये सारा। मैं आपको ऑन साइट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हमारी जो प्रैक्टिकल साइट्स चलती हैं, जो इंस्टॉलेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, टेंडर में भी काम करते हैं, पूरा जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो ऑन साइट पूरा जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई सुनी सुनाई बात या फिर पढ़ी पढ़ाई कहीं से या देखी दिखाई, कोई रिपीट वीडियो, कॉपी वीडियो या कोई इस तरह की थ्योरी आपको नहीं बताई जा रही है, पूरा प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इन भी है और आउट भी है, बट आउटपुट पोर्ट से केबल कनेक्ट होगा और अगले डिवाइस के इनपुट पर लगेगा। ये आउटपुट से कनेक्ट हुआ और अगले डिवाइस के इनपुट पर लगेगा। इसका पूरा कनेक्शन डायग्राम इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर दूंगा, मुझे पता है शायद कंफ्यूजन हो सकता है। यह आउटपुट अगले डिवाइस के इनपुट पे लगेगा, यानी रिसीवर साइड जो इनपुट बना हुआ है वहां पर आपको लगानी है। ये देखिए कैट सिक्स ई इन, इन मेंशन्ड है यहां पर, इन में लगाना है आपको, ये इन में हमने लगा दिया। और यहां से सीधी केबल जाएगी टीवी पे इनपुट पर, यहां से आउटपुट टीवी के इनपुट पर लगेगी। HDMI आउट यहां पर मेंशन्ड है, लिखा हुआ है HDMI आउट, ये केबल मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं आउट पे, और अभी दोनों ही डिवाइस को पावर दिया जाएगा, पावर देते ही ये ऑन हो जाएंगे, ऑन होते ही आपको यहां वीडियो सिग्नल्स आते हुए दिखेंगे। मैंने आपको ये एक छोटे से लेवल का प्रोजेक्ट यहाँ पर करके दिखाया है, यही प्रोजेक्ट, यही इंस्टॉलेशन का जो मेथड है, इसी तरीके से आपको ऑन साइट काम करना है, बड़े से बड़े लेवल का आप प्रोजेक्ट यही मेथड का यूज करके कर सकते हैं। ये देखिए सिग्नल आ चुके हैं, कैमरा लगा रहा हूँ, कैमरा लगाते ही यहाँ पर कैमरे की व्यू आपको दिखेगी। ये देखिए तो आपने देखा सक्सेसफुली यहाँ पर HDMI रेंज एक्सटेंडर का हमने प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया। तो इंस्टॉलेशन हमने कुछ इस तरह से किया, यहाँ पर एक टीवी या मॉनिटर था और यहाँ पर हमारा DVR या NVR जो भी डिवाइस है वो इस तरफ था, DVR या फिर NVR। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये मॉनिटर और ये सिस्टम है हमारा DVR या NVR, इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर था, प्रैक्टिकली यहाँ से डायरेक्ट HDMI केबल डालना पॉसिबल नहीं था इस तरह से। तो हमने रेंज एक्सटेंडर का यूज़ किया, यहाँ पर एक डिवाइस लगाया और यहाँ पर एक डिवाइस लगाया, बीच में हमने कैट सिक्स केबल यूज़ की, कैट सिक्स ये रिसीवर था इस तरफ का डिवाइस, दिस इज रिसीवर एंड दिस इज ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है TX मेंशन्ड होगा और यहाँ पर RX, और बीच में जो कैट सिक्स केबल हमने यूज की है यहां से आउटपुट HDMI केबल निकलती है, तो यहां पर इनपुट पर आपको लगानी है, और यहां पर कैट सिक्स केबल आउटपुट होता है तो यहां पर कैट सिक्स केबल इनपुट साइड लगाना है, यहां पर HDMI केबल आउट होगा और यहां पर फिर इन लगाना है, फाइनली डिस्प्ले से वीडियो आउट होगा। तो ये इसका कनेक्शन डायग्राम था। तो आई होप आपको ये पूरा जो इंस्टॉलेशन है वो समझ में आ चुका है अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।